लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सावधान होशियार, श्री श्री 1008 चक्रवर्ती सूरज की तेज वाले युवराज हैरी महाराज तशरीफ ला रहे हैं। लगता कोई राजा आपके बेटे की शादी में आ रहा है, मगर ये हैरी नाम का राजा कौन है? अरे हैरी वेरी नहीं है, सीधा सादा हीरा लाल नाम है उसका है? और राजा नहीं है, मेरा बेटा है। किसी ने फिल्म में चांस नहीं दिया तो कमबख्त नए सॉन्ग रचाता रहता उल्लू का पट्टा। थू थू थू, ये क्या है? पिताश्री, मुझे मेकअप में देरी हो गई, क्षमा चाहता हूँ। विवाह की रस्म आरंभ करें। उल्लू के पट्टे, तेरे मेकअप में यहाँ पैकअप भी हो गया। कोई बात नहीं जीजाजी, दोबारा मंगलसूत्र पहनाइए। टेक टू। टेक टू? मंगलसूत्र दोबारा बांधा जाता है? पिताश्री, आप भरी सभा में एक कलाकार का अपमान कर रहे हैं। अरे कहाँ है वो? इस गधे की माँ। माते, माते यहाँ क्यों नहीं आते? क्या बात है जी, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आओ, सारे फसाद की जड़ तुम हो। हाय राम, मैंने क्या किया? क्या किया तुमको? मैंने हजार मरतबा मना किया कि इतनी फिल्में मत देखो, मत देखो, मत देखो, तुम नहीं मानी ना। इतना बड़ा पेट लेकर डिलीवरी वाले दिन सिनेमा देखने चली गई, ये गधे का बच्चा वहीं पैदा हो गया। अरे सारे दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ माँ करके रोते हैं, ये गधा सिनेमा सिनेमा करके रो रहा था। पिताजी, आप मेरी माते का अपमान कर रहे हैं। चंपत, ऑर्डर, एक्शन। अबे क्या करता है, बाप तलवार निकालता है। अबे हटा, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए वापस इसे। इतने नाराज क्यों हो रहे राज बाबू? मैं तो शादी के मौके पर तोहफा दे रहा हूँ। ले लीजिए ना, अच्छा डिजाइन है, कम से कम 10 तोले का तो होगा। जी 12 तोले का है वो। ये तो क्या बात है दामा जी? ये मेरे कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, आपके नियोते पर यहाँ आए, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्वत? तुमको शर्म नहीं आती यार? मैं तो तोहफा दे रहा हूँ। तोहफा दे रहे तो कबूल करने में क्या बुराई है? आज मैं इनका तोहफा कबूल करूं, कल इनका मिलावट वाला सीमेंट भी कबूल करना पड़ेगा। चलो खाना खाकर जरूर जाइएगा। खरा सोना है हमारा जवाई। सोना है? पिघला के नेकलेस बना सकती हो? बात करती है, मेरी बेटी की तो तकदीर फूट गई। ये मेरा दामाद तो ईमानदार निकला यार। आओ बेटी। गर्मी है ना? लेकिन आजकल तो सर्दियों का मौसम है। मगर पता नहीं मुझे क्यों इतनी गर्मी लग रही है। एसी चला दो, कहाँ है? एसी नहीं है, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है। सच कह रहे हैं, पानी पी लीजिए। अरे रे, मगर ये ठंडा नहीं है, शायद आपको फ्रिज से ठंडा पानी पीने की आदत है, है ना? मुझे मटके का पानी पीने की आदत है, फ्रिज नहीं है। मजाक कर रहे हैं आप, इतने बड़े इंजीनियर हैं तो क्या घर में फ्रिज और एसी भी नहीं है? ना फ्रिज है, ना टीवी, ना वीसीआर, ना वॉशिंग मशीन। वही तो सोचा होगा, पहले इन सब चीजों को संभालने वाले घर में आ जाए फिर खरीदेंगे, जैसे है ना? नहीं काजल, ये सब चीजें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। तो फिर घर में है क्या? तुम्हें प्यार से देखने वाला मैं जो हूँ, क्या ये काफी नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ हो रहा है। इसलिए तो कर रहा हूं। किन खटारा बसों में सफर करते, मेरी तो जान निकलती है, जाने कब क्या हो जाए। अच्छा काजल, मैं बच्चों को स्कूल पहुंचाकर ऑफिस चला जाऊंगा, तुम सब्जी वगैरह खरीद कर बस में घर चली जाना। घर चली जाना काफी है, बस में चले जाना, बस में चले जाना कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे 7 साल हो गए हमारी शादी को, कभी कार में बैठी हूँ क्या? सुनो, काम में उलझकर खाना खाना भूलना मत, और तुम लोग भी अपना टिफिन बॉक्स पूरा खाली करना, कुछ छोड़ना नहीं हो। अच्छा माँ। अरे कितनी बार समझाया, मम्मी पुकारा करो, मम्मी
हाई सोसाइटी में कोई भी माँ नहीं पुकारता। अच्छा मम्मी, बाय मम्मी। बाय बाय। सुनो, क्या कहने वाली तुम्हें? वही तो, बस में ही जाऊंगी। बस में नहीं तो क्या हवाई जहाज में जाऊंगी? आई एम सो सॉरी निशा। अरे हाजर, अरे हाउ नाइस टू सी यू। कितने सालों के बाद मिल रही है, कहाँ खो गई थी? मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा चली गई थी, पर तेरे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। पता चल? क्या पता चल गया? यही कि तेरी भी शादी हो गई है। कोई छुटका छुटकी है कि नहीं? है ना, एक लड़का एक लड़की। दैट्स लवली। और तेरे पति काम क्या करते हैं? काम? चुंबक, व्यापार चुंबक। व्यापार चुंबक? अरे बिजनेस मैग्नेट भाई। ओ लंबा चौड़ा कारोबार है, बंगला है, गाड़ियां हैं, ऐसे बहुत और बहुत कुछ। पैदल जा रही हो? हमारा फैमिली डॉक्टर है ना, फॉरेन का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उन्होंने मुझे पैदल चलने के लिए कहा। अच्छा। वॉकिंग करने के लिए, सेहत के लिए अच्छा है ना, तो मैंने सोचा ठीक है भाई, वॉकिंग की वॉकिंग हो जाएगी और अपनी पसंद की सब्जियां भी खरीद। दैट्स रियली नाइस। अच्छा तुम्हारा बंगला कहाँ है? बंगला? हाँ, तुम रहती कहाँ हो? गोल्फ लिंग्स में। गोल्फ लिंग? गोल्फ। अरे मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, इसी बहाने रास्ते में गपशप भी हो जाएगी और मैं तेरा बंगला भी देख लूंगी। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, अगली बार ले चलूंगी, मुझे वॉकिंग करना है। अरे चुपचाप बैठती है कि उठा के रख दू गाड़ी में। आज फंस गई बेटी, अब क्या करोगी? क्या बड़बड़ कर रही है? नहीं कुछ नहीं, तेरी गाड़ी बहुत अच्छी है। कितने में ली? शायद 10 में। 10 लाख? हाँ क्यों? हमारे महंगी आई है। अच्छा, यही मेक है। तुम्हारा मॉडल नया होगा? हाँ वही तो। अरे गोल्फिंग तो आ गया है, अब बता तेरा बंगला कहाँ पे है? वही सोच रही हूँ। हाँ यहाँ से राइट टर्न करना। ओके। अरे निशा निशा रुक रुक। क्या हुआ? बंगला पीछे रह गया। नो प्रॉब्लम। बस बस निशा। निशा ये मेरा बंगला है, मगर ताला लगाकर ये वॉचमैन कहाँ चला गया? मैंने सोचा फ्रिज से निकालकर तुझे चिल्ड एप्पल जूस पिलाऊंगी, मगर चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी मेरे पास है, क्योंकि ये बंगला मेरा है। यू हैवन्ट चेंज्ड। आई हेट यू काजल, इसलिए नहीं कि तू गरीब है या तेरे पास बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर तूने अपने पति और घर की जो बेइज्जती की है, आई हेट यू फॉर दैट। काजल, अपना घर अपना होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। स्वर्ग जैसा लगना चाहिए अपना घर, नहीं तो उसे नर्क बनते हुए देर नहीं लगती। जो है जितना है उसी में खुश रहना सीख, जो नहीं है उसकी लालसा में कुड़कुड़ करती रहेगी तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, जहन्नुम। काजल, काजल, काजल सुन। बच्चे स्कूल गए होंगे और जीजा जी ऑफिस गए होंगे। काजल कहाँ गए यार? अभी देखता हूँ। क्या आवाज है? कोयल, कोकिला, लगता है कोई मुझे यहाँ से पुकार रहा है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब दिल पे नहीं रहा काबू, आ रहा है तेरा राजा बाबू।
क्या देख रहा था? घर देख रहा था। क्यों देख रहा था? ऐसे ही। पोस्टमैन है? हैं? पोस्टमैन है? मैं पोस्टमैन हूँ। तो क्यों देख रहा था? अरे घर रहने के लिए देख रहा था। रहने के लिए देख रहा था। वो पड़ोस वाला चलेगा? चलेगा। ये चलेगा? दौड़ेगा। कितना किराया देगा? जो आप कहेंगे। कितना रुपया कमाता है? रुपया मैंने कमाता, मेरा बाप कमाता। कितने बाप है? बाप तो एक ही होता है ना। तो बाप को मैं बताकर देना करता है? मैं कलाकार हूँ, कला से प्यार करता हूँ। कला भाई कौन है? कला भाई ने कला एक आर्ट होता है, मैं संगीत से प्यार करता हूँ। घर में रेडियो है? है। कौन सी कंपनी का है? बर्फी है। म्यूजिक कैसेट है? है। कौन सी कंपनी का है? HMV की है। टेप रिकॉर्डर है? नहीं। कौन सी कंपनी का नहीं है? पैनासोनिक नहीं, सोनी नहीं, अकाई नहीं। HMV क्या मर्फी में डाल के सुनता है? मैं डायरेक्ट कोयल की आवाज सुनता हूँ। डायरेक्ट कौवे की आवाज क्यों नहीं सुनता है? मैं संगीत से प्यार करता हूँ, संगीत खाता हूँ, संगीत देखता हूँ, संगीत सुनता हूँ। दिखता है? हाँ। संगीत दिखता है? हाँ। कैसा दिखता है? पीछे से बहुत अच्छा दिखता है, सामने से पता नहीं। और क्या क्या दिखता है? सब कुछ। मैं दिखता हूँ? हाँ। पेड़? हाँ। हवा? हवा? हवा दिखती है? हवा आपने देखी? मैंने संगीत नहीं देखा तो हवा कैसे देखूंगा? तुमने संगीत देखा तो हवा देखी होगी? हवा दिखती है। ये कौन है यार? और कौन चाहिए तुमको? अरे कोई नहीं चाहिए, मगर आप तारे दिखते हैं दिन में? सितारे दिन में? चंदा मामा? चंदा मामा दिन में? चक्कर आता है? बेटी वानी जरा देखना है हाईवे की चल बसा। अप्पा डप्पा जब्बा, अप्पा डप्पा जब्बा। क्या? अप्पा डब्बा जब्बा। हाँ बेटी, शादी तो हम भी तेरी करना चाहते हैं, पर तुझसे शादी करेगा कौन? अब्बा डब्बा जब्बा। हे राम, सब पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। बेटी है कि बोल नहीं सकती, और बाप है कि चुप रह नहीं सकता। अब्बा डब्बा जब्बा। संगीत हंस रहा है। ओ बड़ो बा। क्या? राजा बाबू। हाँ। क्या बोल गई कोयल? वो मुझसे कोड़वड़ में बोल गई। क्या? अब्बा डब्बा जब्बा। क्या मतलब? मतलब मैं समझ गया। हुँ? पहले अब्बा को पटाना होगा, फिर डब्बा संभालना होगा, फिर जब्बा जब्बा जब्बा। अरे हटे।